एक ब्रजवासी के घर में ब्रजवासी मैया बहुत प्रेम करती थी सनातन बाबा को, तो उनका घर में मदन मोहन जी रहते थे। मदन मोहन जी को ब्रज मैया सेवा करते हैं, सनातन गोस्वामी आते हैं उनके घर पर कभी माधुकरी मांगने के लिए। तो मदन मोहन जी स्वप्न में आदेश किए हैं ब्रज मैया को जो हमको सनातन बाबा को दे देना, हम उनके साथ जाएंगे। ब्रज मैया बहुत ऊंची स्थिति थी, ऐसे ही ब्रज मैया इन लोगों के भीतर में ऐसे सरलता, ऐसे ठाकुर जी के प्रति एक अपनापन, ऐसे प्रेम जो साधारण कोई गृहस्थी के अंदर ऐसा होना संभव नहीं है। ब्रजवासी लोग गृहस्थ में रहते हुए भी ठाकुर जी के प्रति एक स्वाभाविक चित्तवृत्ति, स्वाभाविक एक ठाकुर जी के प्रति अपनापन ऐसा होना संभव नहीं है, और ऐसा सेवा भी संभव नहीं है अपनापन जैसे। हम देखे हैं मधुकुटी जाते थे पहले जब गोवर्धन में राधामन में रहते थे, भोग लगा के कोई तुलसी पत्ता रहता नहीं, बायां हाथ से लेकर के गोपाल जी है वहां रेले खा ले लाला खा ले, बायां हाथ से भी बायां हाथ से गरम गरम रोटी लेकर के धर दिया, बाबा माधुकरी आए हैं बस वहीं से रोटी लाकर बाबा को दे दिया, तुलसी पत्ता पत्ता कुछ नहीं, उसी में ठाकुर जी प्रसन्न, ऐसे अपनापन। तो मदन मोहन जी कहते हैं जो हमको सनातन बाबा को दे दो, तो सनातन बाबा ये ठाकुर जी कहते हैं आपके साथ जाने के लिए, तो क्या करेंगे, लेके आए हैं वृंदावन में मदन मोहन टीला नाम के स्थान है, पहले टीला था उस टीला पे ले आए हैं। आप क्या करेंगे, ठाकुर जी आए हैं तो उनको तो भोग तो लगाना पड़ेगा, कोई छप्पर छप्पर डाल के कोई रकम उनको स्थापना करके फिर चून मांग के लाते हैं, अक्रूर घाट से चून मांग के लाते हैं लोग, तो है तो वही विरक्ति बाबा जी, अब ठाकुर जी आए हैं भोग तो कुछ लगाना ही पड़ेगा, तो आंगा बनाते हैं, नमक फिमक कुछ नहीं है, बर्तन फर्तन कुछ नहीं है, ऐसा कोई पत्थर में लेकर के उसी में आटा मार करके हाथी में ये करके फिर कंडा जला करके उसमें रख देते थे, उसमें जैसा पक जाता था कहीं कच्चा कहीं पक्का कहीं ऐसा नहीं रखूँ, बिना नमक कुछ नहीं, सब्जी वब्जी कुछ नहीं, ऐसे ही ठाकुर जी को भोग लगाते थे, और ठाकुर जी उसी में ही प्रसन्न। देखो तो और कहीं जा सकते थे लेकिन भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं, भक्त तो जैसे खिलाते हैं ऐसे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भक्त वत्सल भगवान सनातन गोस्वामी। अब ठाकुर जी आए हैं, आने से भाई उनको तो सुचारू रूप से ठीक से सेवा नहीं होने से भक्त का मन में भी एक पीड़ा होती है, भक्त तो भी चाहते हैं हमारे ठाकुर जी हैं ये तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, विग्रह और भगवान अलग नहीं है, विग्रह साक्षात भगवान का ही स्वरूप, मानो या ना मानो वास्तव में विग्रह रूप में भगवान ही रहते हैं, उनको अनादर नहीं करना चाहिए, आदर बुद्धि से जहाँ तक हो उनको काय मन वचन से उनकी प्रसन्नता के लिए अपनापन अपना जैसे आत्मभाव से उनकी सेवा करना चाहिए। सनातन गोस्वामी का मन अंतर्मना हो गए और ठाकुर चिंता करते हैं, अब ठाकुर जी की सेवा तो हो नहीं रही है, तो ठाकुर जी भी जान गए हैं जी इसका मन अब एकांत में भजन करने का मन है, मन ही मन वहाँ भी ठाकुर जी हैं, वहाँ भी दूसरा चिंता थोड़ी करते हैं, वहाँ तो ठाकुर जी मदन मोहन है साक्षात, और आँख मूंद करके तो अतीन्द्रिय जगत में साक्षात मदन मोहन के भोग लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, उसी में डूब गए हैं, वो तो ठाकुर जी की सेवा है, उनकी सेवा में डूब गए हैं, वो अलग कोई कर्म थोड़ी कर रहे हैं, बाहर इंद्रिय वृत्ति के द्वारा जो ठाकुर जी की सेवा ये होना मुश्किल हो गया है। तो मदन मोहन एक दिन कहते हैं सनातन भाई तू यही अंगा देता है हमको, इसमें नमक नहीं, बिना नमक का ये खाया नहीं जाता है, थोड़ा सा नमक तो देना चाहिए। सनातन गोस्वामी जान गए हैं
ये ठाकुर जी के तो ऐसी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी तो परम वैरागी हैं, ये तो इसलिए कह रहे हैं कि हम खाते हैं नमक छोड़ के, रुका सुखा खाते हैं, ठाकुर जी कर कहें कि सनातन तुम थोड़ा नमक दे के खाओ, तो हम तो खाएंगे नहीं, हमारा बात मानेंगे नहीं, तो एक बहाना लगा करके जो हमको थोड़ा नमक तो दे सकते हो, तो ये तो ठाकुर जी की हार्दिक इच्छा कि हम थोड़ा नमक लगा करके नमक दे करके खाएं। तो कहते हैं देखो तुम आज नमक मांगोगे, कल दूध दही मांगोगे, परसों घी मांगोगे, भाई हम कहाँ से लाएंगे, भाई हमारे द्वारा तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब क्या, भगवत प्रीति के लिए हम कर्म अनुष्ठान करते हैं तो भगवान का सुख हम नहीं चाहते हैं। सनातन गोस्वामी जान गए हैं जो ये हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, प्रभु की इच्छा ऐसा नहीं है, हैं तो जान गए हैं। अब ठाकुर जी सेवा नहीं हो रही है, अब ठीक से सेवा होना जरूरी है, हमको भी एकांत में जाना है, एकांत में जा करके भजन करना है। तो एक दिन एक सौदागर जमुना से जा रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए कहीं मथुरा के, उनका नौका अटक गया, नाव अटक गया, तो नाव चलती नहीं भाई, अब क्या करें, जाना ही चलना ही बंद हो गया, अब बहुत भारी चिंता में पड़ गए, भाई नाव नहीं चलेगी, हम घर भी लौट फिर जा नहीं सकते हैं, और जो काम के लिए आए हैं बिजनेस करने के लिए आए हैं वो भी हमको नहीं जाने से हमारा चलेगा कैसे। तो ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना की है, ठाकुर जी कृपा करो, कुछ ऐसी कृपा करो हमारे नाव चल जाए, हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। रात में सपना देश हुआ, यहाँ एक सनातन बाबा रहता है उनके पास जा, वो अगर स्पर्श कर देगा तेरा नाव चलना शुरू हो जाएगी। सपना देश हुआ, वही मदन मोहन टीला था, अभी भी है, अभी तो मंदिर बन गया, वो सेठ ने बना दिया था। तो वहाँ देखो भाई ये सपनों है ना सही है, चलो तो सही, जंगल है, जंगल में टीला जैसे दिखता है, चलो वही जाके ढूंढे जी सही सही सनातन बाबा नाम के कोई है कि नहीं। तो वहाँ आए हैं, आकर के पूछते हैं भाई सनातन बाबा नाम के यहाँ कोई है, तो सनातन बाबा कहते हैं ये शरीर को ही तो सनातन बाबा कहते हैं, और तो यहाँ तो कोई और कोई है नहीं, कोई रहता भी नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ, तो बाबा कृपा करके आप थोड़ा चलिए हमारे नाव को थोड़ा स्पर्श कर दीजिए। बोले ये कैसे होता है, नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा, ऐसे ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, हमारे नाव रुक गया है, आप जाने से आप स्पर्श करने से नाव चलना शुरू हो जाएगा, ठाकुर जी ऐसा आदेश किया है। अब बार बार अनुरोध कर रहे हैं, सनातन बाबा कहे हैं जा कर के स्पर्श किए, नाव चलना शुरू हो गया, जान गए ये परम सिद्ध हैं ठाकुर जी। तो जी अभी इस बार जा करके जितना लाभ होगा सब पैसा हम ये मदन मोहन ठाकुर जी के लिए हम मंदिर बना देंगे, उसका उसमें बहुतों रुपया आमदनी हो गया, पूरा वो हीरा मोती से भर गया था वो नाव, जा करके बहुत रुपया आमदनी किया, फिर आ करके वो अभी जो मदन मोहन मंदिर है ना जमुना किनार, वही उन्हीं का बनाया हुआ, उस सेठ का बनाया हुआ, तो वहाँ जा करके ब्राह्मण बुला करके उनको पूजा प्रतिष्ठा करके, पूजा ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करके ब्राह्मण का हाथ में समर्पण करके सनातन का स्वरूप ठाकुर जी को दंडवत करके चलती हैं।